ये है दिल्ली दर्पण। गाजियाबाद के मसूरी थाना में भाजपा नेता प्रशांत चौधरी समेत कुल 12 लोगों पर अपहरण और मारपीट का आरोप लगा है। ये आरोप जिला पंचायत सदस्य के पति द्वारा लगाया गया है। पीड़ित सचिन के मुताबिक उसको मसूरी इलाके की उसकी खुद की दुकान से उठाकर प्रशांत चौधरी और उनके साथियों ने मारपीट की और साथ ही धमकी भी दी। ये सब राजनीतिक रंजिश के चलते किए जाने का आरोप है। आरोप ये भी है कि भाजपा नेता प्रशांत चौधरी के साथ हापुड़ की जिला पंचायत के अध्यक्ष पति राजेंद्र का भी हाथ शामिल है। इसके अलावा प्रशांत चौधरी की सुरक्षा में लगे गनर भी मारपीड़ित ने सीधे SSP को शिकायत दी है, जिसके बाद मसूरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR की कॉपी में साफ तौर पर प्रशांत चौधरी और उसके अलावा उसके 12 साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पीड़ित काफी डरा हुआ है। पीड़ित का ये भी आरोप है कि उसको जाति सूचक शब्द भी कहे गए हैं। इस मामले में ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिला पंचायत की सीट आरक्षित होगी और प्रशांत चौधरी के अलावा राजेंद्र सिंह और उसके साथी नहीं चाहते कि इस बार जिला पंचायत सीट पर सचिन की पत्नी दावेदार बने। आरोप ये भी है कि प्रशांत चौधरी नहीं चाहते कि एक विशेष शख्स के साथ मिलकर चुनाव लड़े, इसलिए ये हमला करवाने का शक है। लेकिन आखिर ये पूरा मामला है क्या, ये जाँच के बाद ही साफ हो पाएगा। ये बेसिकली थाना मसूरी क्षेत्र में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उन पर आरोप है कि जबरदस्ती किसी के साथ किसी को ले जाने का प्रयास किया और मारपीट की, जिससे चोट आई, दूसरे पक्ष को चोट आई, उंगली में जो है चोट है, उस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया। करने के लिए ये 12 जने थे, जिनमें मैन मुख्य जो था प्रशांत गुर्जर था और राजेंद्र तेलवाला, जिसकी धर्म पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हापुड़ से जी। ये प्रशांत गुर्जर एक बेईमान किस्म का दलाल है, जिसने क्या क्या हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या राजेंद्र से कह रखा था, और जिसमें कि हमारा ना ही राजेंद्र से कोई संबंध रहा ना ही प्रशांत से कोई संबंध रहा। मामला ये था कि जब 12:15 करीब ये लोग दुकान पर आए, तो दरअसल पीछे जब चुनाव हुआ था तो एक बार इन लोगों से मुलाकात हुई। शिष्टाचार के आधार पर मैंने इनको पानी पिलाया, मेरे नौकर ने ठंडा भी ला के दिया। उसके बाद में जब सारी बात होगी, इन्होंने मुझसे ये बोला कि भाई तुम पहले चुनाव में हमेशा सतपाल के साथ रहे, अब उसका दिया बुझ चुका है, अब उनका कोई जनाधार नहीं है, आप अब हमारे साथ रहो, तुम्हें काम भी मिलेगा, तुम्हें सब चीज़ मिलेगी। मैंने उनसे मना कर दिया कि मैं वहाँ पर जहाँ गढ़ से मेरी धर्मपत्नी जीती है, वहाँ पर जो मैं जीता हूँ वो सतपाल जी की जिन से जीता हूँ, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मैंने उनको मना करा कि गाली मत बको, फिर उन्होंने मेरे साथ मारपिटाई चालू कर दी, और जो पुलिस वाले थे उन्होंने भी मुझे मारा, और जो उनके साथ में एक प्राइवेट गनर था उसने भी मुझे मारा। राजेंद्र ने मेरे पीछे से पिस्टल लगाई और उन लोगों ने ज़बरदस्ती वहाँ पर कम से कम 50 लोगों के सामने मुझे एक जैसे गाड़ी में घेर लेते हैं किसी को, ज़बरदस्ती उठा के उन्होंने गाड़ी में घेर लिया। गाड़ी में राजेंद्र ने और प्रशांत ने और उन पुलिस वालों ने मेरे में खूब बजाया। और जब इस मामले में प्रशांत चौधरी से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि उन पर लगे आरोप निराधार है, उन्होंने पहले ही सचिन पर एक शिकायत दर्ज करवा रखी है। उनका प्रशांत चौधरी से केवल पैसे के लेन देन का मामला है। हम वो बाजार में दुकान है उनकी मेन रोड पे उसकी पेंट की, वहाँ पे गई तो वहाँ पर वो बैठा था बढ़िया, वहाँ बैठे भाषी बाजार खोल लगा, उन्हें वो जलजीरा मंगाया जयंती को तो पी पा गए। मैंने कहा भाई इसके पैसे हैं राजेंद्र के, वो उस आपस में थोड़ी गहमा गहमी होने लगी पैसों को लेके। अरे मैंने कहा कुछ नहीं यार, ये दे देगा पैसे, जैसे बिचौलिया करता। मैंने कहा भाई तुझ पे इसके 15 लाख रुपये हैं तो तू दे दे, और है तो तुझ पे सही तेरे मेरे सामने लिए, और तुझ पे अपना हो 2-4 महीने में दे दीजिए। तो उसे रुपए देने नहीं थे, वो बदतमीज जी पाम आता था, वो ही बिल्कुल ये था कि झगड़ा करके नहीं नहीं ये है वो है वो ये हुआ था वो, मतलब बिना सिर पैर की बात। जैसे कोई आप कहो तो कि आप मुझे बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ, या मुझे तुम धमकाना आए हो, इस तरीके से बिना बात। अब हमें क्या था, हम तो फैसला करने गए थे। अब उनकी आपस में छीना झपटी होने लगी तो उसने उसका गिरवान पकड़ लिया, हमने उसे छुटाया, और छुटाने में उसने मेरा भी गिरवान पकड़ लिया। तो हमारा गनर था सरकारी, उसने उसे हटाया तो उसने उसका हमारा जो सिपाही था उसके भी यहाँ से बटन तोड़ दिया और देश फाड़ दी। तो आरोप तो कोई किसी पे कुछ भी लगा दो, क्या हमने आज तक, हमारा 52 साल की उम्र है, आज तक जिंदगी में साला 151 का मुकदमा भी कायम ना, हमने तो किसी को आज तक चांटा भी नहीं मारा, तो एकदम ही हम किडनैप करने लगे। और जो दूसरे वाला राजेंद्र, वो तो ऐसा आदमी बेचारा बोल नहीं सकता, इतना सज्जन आदमी है, ये कुछ नहीं है, वो BJP नहीं है, वो तो समाजवादी पार्टी का आदमी है, उसने तो जिला पंचायत में भी समाजवादी के साथ ही रहा था। और मैं और राजेंद्र हम भाजपा के आदमी हैं, ये एक बहुत बड़ी शासक है इसमें। दिल्ली दर्पण TV के लिए गाजियाबाद से अरुण सिंह की रिपोर्ट।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर